फिट पे फंसा हुआ हूँ, जाम में आ रहा हूँ बस। आप गाड़ी तैयार रखो सर। इसको दोबारा से पुलिस आ जाएगी, मेरे को बेवकूफ बना रही है, फोन कह रहे हाँ जी। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से। मैं जाता हूँ सुबह सुबह प्रसाद लेने, क्योंकि था नवरात्रे का दिन, फर्स्ट नवरात्रा था और घर पे बिठाए जा रहे थे नवरात्रे, तो मैंने ले लिया था ये प्रसाद माता रानी के लिए। और तबीयत थोड़ी हो रही थी ख़राब और पेट में भी थोड़ी गड़बड़ी सी लग रही थी, तो मैंने किया पे ऑर्डर एक लस्सी का गिलास, क्योंकि भैया लस्सी पीने से ठंडक आती है और हमारी लस्सी आने ही वाली थी, उसी का कर रहे थे हम इंतजार। और बातों ही बातों में हमारी लस्सी आ गई और अब हम करते हैं इसे टेस्ट। और टेस्ट करके हमने देखा तो लस्सी वाकई में अच्छी थी, इंतज़ार करना हमारा सफल रहा और स्वाद बहुत अच्छा, लस्सी का मज़ा आ गया और पेट भी थोड़ा ठीक हुआ लस्सी की वजह से। लस्सी पीते हैं और चलते हैं घर पे फटाफट से आगे की। लेकिन तबीयत हो गई ज़्यादा ख़राब और मैं हो गया हॉस्पिटल में एडमिट और लग गई मेरी ड्रिप और साथ में दो इंजेक्शन। मम्मी थी साथ में, मम्मी भी टेंशन में। तो गाइस क्या ही बताऊँ मैं आपको, दोस्तों आज हम लेने जा रहे थे हमारी गाड़ी की डिलीवरी, सुबह से प्लान था हमारा, पर ये देखो फिर भी डिलीवरी दे ले। मम्मी परेशान हो गई, मम्मी ने नोट आगे कर रखे, नौ दिन तक मम्मी कुछ नहीं खाती है ना, मम्मी नौ दिन तक कुछ भी नहीं खाती, नौ दिन तक फिरा माता जी की पत्नी। तो मम्मी और परेशान हो गई, हॉस्पिटल में आना पड़ा, जाएंगे यहाँ से सीधे शोरूम, वीडियो में कंटिन्यू बने रहो, अब चलते शोरूम की तरफ चले। हाँ जी, तो गाइस अब निकल चुके हैं अपन, अपना भाई आ चुका है मोनू भाई की तरफ, देखते हैं क्या होता है, कैसी क्या हमारी डिलीवरी होती है गाड़ी की। और मोनू भाई आगे जा, आप देखते हैं क्या सीन है। हाँ मोनू भाई, सीन तो देख सामने दिखा पहले, ये देखो ये सीन है। अब हमको पूछना है 15 मिनट में, और ये जाम देखो आप पहले एक बार चेक करो, जाम चेक करो, जाम इतना खतरनाक है, क्या ही कर सकते हैं। मूड ऐसे खराब हो जाता है जब कुछ अच्छा करने जाते हैं ना, तो मूड ऐसे खराब होता है, ट्रैफिक आंडू पांडू लोग ऐसे आ जाते हैं बीच में, क्या ही करें, कहाँ से घुसा रहा बाइक, तभी देखो इस बाइक वाले को कहाँ आने की कोशिश कर रहा है, अब निकल। तो वही वो जाम बेफालतू लगा रखा है, वो देख जाम लग रखा है, इधर गाड़ी ये फंस रखी है, आप देखो ये गाड़ी इधर फंस रखी है और ये गाड़ी इधर फंस रखी है, बीच में हमको फंसा रखा है, खराब हो रही है, ड्रिप चढ़ी है देखो अभी। गाड़ी लेने का तो सुबह ही था प्लान, गाड़ी लेने का तो सुबह से निकल गया। पहले भाई ने बोला मेरे को कि मैं आऊँगा कितने बजे, 12:00 तक आ जाऊँगा, चल ठीक है। तो मैं हॉस्पिटल चला गया, दवाई ववाई ले लिया, मैं चल ठीक है अपन ठीक हो जाते हैं, चल के पहले खाना आना खा लेते, बढ़िया दवाई ववाई ले लेते, दवाई ली आराम नहीं आया, फिर उसके बाद में मैं चल सो लेते थोड़ा, फिर भाई ने कहा मेरे को इधर से ले ले, फिर भाई ने कहा मेरे को कि मैं आऊँगा कितने बजे, 4:00, मैं चल ठीक है 4:00 सही, 3:00 मेरी आँख खुली, भाई को फ़ोन किया बोले भाई 4:00 आ रहा हूँ, मैं चल ठीक, फिर 4:00 भाई को फ़ोन किया, भाई बोला 5:00, मैं चल ठीक है। और अभी टाइम हो रहा है इस वक्त, क्या टाइम हो रहा है भाई, 6:30 हो रहे हैं, ऐसे हमारी टाइमिंग से काम होता है, हमारी टाइमिंग बहुत खतरनाक है, ठीक है। शोरूम वाला सुबह से फोन कर रहा है, जहाँ पे हम आए मीटअप के लिए और हम बोले कि हम 4:00 आएंगे, तो समझ जाना कि 8:00 से पहले पहले नहीं आने वाले, मीटअप भी करेंगे कभी ना कभी। तो गाइज ज्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और ज्यादा बड़ा ब्लॉग रखेंगे नहीं, अब बस थोड़ा खेम जिन से मिला दे वो आ जाए, फिर उसके बाद में सीधा शोरूम में मिलेंगे आपसे, ठीक है। तो भाई तुमको बताया था अभी ब्लॉग में मैंने पहले किससे मिलाने वाला हूँ, ये अपना एक घंटा वेट कर रहा है केमचंद भाई, ये चीज तो यार अपने ना कोई भी दोस्त है ना, टाइम के तो पंचुल नहीं है भाई, टाइम के तो नहीं, कभी नहीं आते भाई टाइम पे, मैं भी मैं मेरी बताता हूँ, मेरा भी नहीं आता, मेरा तो वेट लिस्ट में नाम है टॉप पे, यही बंदा है। तू कब टाइम पे आ गया मुझे बता, तू बता दे कब नहीं आया, लास्ट टाइम मीटर था, ठीक है, पहले कौन था आया था, पहले ही आया था, ठीक है, अच्छा, उसके बाद कौन था तू ही बताना, तो भाई तुम जहाँ आप बुलाया था ना मेरे को, मेरा घर वहाँ से दूर है और तुम्हारा पास है, मेरा ऑफिस कितनी दूर है,
कुछ नहीं है क्या? मेरा ऑफिस कितने दूर है वहाँ से? कहाँ से? मानसूर। मानसूर में बुलाया मिलने, मानसूर में इसका ऑफिस, इसका मानसूर में घर, मैं रहता हूँ प्रताप नगर। गाड़ी, गाड़ी, गाड़ी। मैं प्रताप नगर से आया हूँ। भाई हमारी गलती है, हमारी गलती है, हमारी गलती है दादा भाई। इसका ब्लॉग बनाते हैं। ब्लॉग मिनट रुको, सोम से फोन आ गया। हाँ जी सर, हेलो। हाँ जी सर, सर 2 फीट पे फंसा हुआ हूँ जाम में, आ रहा हूँ बस। आप गाड़ी तैयार रखो सर। गाड़ी से मजाक नहीं, जिंदगी तेरी मत चल रही है। अरे 2 लाख की बाइक ले रहा है। अरे फोन ले लिया। अरे दो पहले, एक स्कूटी खड़ी, एक बाइक पहले खड़ी है। अरे वाह, फिर तीसरी ले रहा है। अभी एक मकान ले लिया। बोल जय बाबा की। अरे केम चंदे, मेरी बात तो सुने। हाय तो बोल दे मेरे ऑडियंस को। अरे भाइयों, अरे भाइयों, और मेरे प्यारे देशवासियों, हेलो। हम संतोष पागल नहीं हम। ये सीधा पुलिस में फोन जाएगा। दबा दिया हमने, क्या हुआ? ऐसे थोड़ी जाएगा, कनेक्ट करना पड़ता ब्लूटूथ पहले उसमें। जैसे तू गिरने वाला है पहले फोन कर देगा ना। अरे यार ये तो हिम्मत कम इसकी। तुम्हारे से पुलिस आ रही है, मेरे को बेवकूफ बना रही है। फोन कह रहे पुलिस आ जाएगी, दबा रहे फाइनली गाइस ले ली भाई ने। आ चुके गणेश जी के मंदिर।
जाएगी घर पे। मैं कैमरा की तरफ गया, ये ऐसे कर रहा हूं, सॉरी गणेश जी मारा। अरे वो साथ में फिर का लगवाया इसी जगह पंडित जी लगा दे। अरे एक छोरा कहीं काटो यार, हमारा भाई एक और एक नंबर है भाई। चलो भाई चलो भाई, गाड़ी आ गई यार, मुबारक भाई मुबारक, जय श्री दादा रे। चलो चलो भाई पार्टी करने, लेट्स गो। आप सभी को पता ही है तबीयत सुबह से ख़राब थी और अभी भी हालत ख़राब ही है, तो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। तो ऐसे नए नए ब्लॉग्स के लिए, नए नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग, थैंक यू।